टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली 15,000 रुपए के अंदर कुछ नए स्मार्टफोन लॉन्च किए गए, जहां पर हमें कुछ और भी एडवांस स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, दमदार फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तगड़े कैमरास दिए गए हैं, लंबी चलने वाली बैटरी भी आपको मिलेगी, और तो और सभी के जो लुक्स हैं दोस्तों वो भी काफी कमाल के हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर उन यूजर्स की जो कि सैमसंग की तरफ से इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक परफेक्ट फोन चाहते हैं, जहां पर उन्हें अच्छा कैमरा, लंबी चलने वाली बैटरी, बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले और तो और तगड़े कैमरास भी मिले। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी F15 5G। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि 9.3 mm की थिकनेस और 217 ग्राम का है, तो थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्की जरूर है, लेकिन यहाँ पर बैटरी भी ज्यादा दी गई है, जिस वजह से स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हैवियर साइड देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल आपको बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली, और सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगी, और साथ ही 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट भी आपको दिया गया है। हालांकि यहाँ पर पंच होल डिजाइन होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी वो आपको काफी कमाल की मिलती है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है दोस्तों कि फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेता है, और यहाँ पर आपको डे लाइट साथ साथ लो लाइट में भी काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाती है। वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा अप टू 30 FPS, और यहाँ पर आपको जायरो EIS का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही आपको यहाँ पर VDIS यानी कि वीडियो डिजिटल इमेज स्टेबिलाईशन का सपोर्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियोस है वो भी ब्लर नहीं होंगी, यानी कि आपको यहाँ पर डिजिटल स्टेबिलाईशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में देखा जाए तो फोन काफी अच्छा है। बात करें फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट, और दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑन द स्पॉट लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर अप टू 40 FPS तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस डिसेंट ही मिलने वाली है। बात कर ले पावर हाउस की, तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है जो कि 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई, तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने वाला है, बैटरी से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, लेकिन दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड 1 UI 6 पर रन करता है, और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 4 साल तक के मेजर अपडेट मिलने वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 18 तक का सपोर्ट मिल जाएगा, तो 4 साल के लिए तो नो टेंशन, और साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी नॉक्स सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। और रही बात 5G बैंड की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, सो आपको यहाँ पर 5G यानी कि फ्यूचर के लिए भी कोई टेंशन नहीं आने वाली। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपये, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्मार्टफोन का 6 और 128 वाला वेरियंट भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 14,999 रुपये की कीमत पर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है पोको की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च पोको का X6 Neo 5G। बात करें इस फोन की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, हालांकि बैक में आपको यहाँ पर मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ 7.7 mm की थिकनेस और 175 ग्राम के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है, और इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है। इन सभी के अलावा IP54 का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन वाला फीचर भी आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, और जैसा कि हमें आईकू के लुक देखने को मिलते हैं, कुछ वैसा ही लुक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 inches की एक फुल HD प्लस वाली 10-bit की AMOLED पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहां पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली, और हाँ दोस्तों 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहां पर काफी अच्छी दी गई है। वैसे अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से फोन काफी अच्छा देखने को भी मिल जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर सिर्फ दो कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ 108 मेगापिक्सल का जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट पे फोटोज भी आपको अच्छी मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो क्वालिटी की तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6 NM बेस MediaTek Dimensity 6080 का चिपसेट और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है आम माली G57 MC2 का 2 कोर का GPU जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर डिसेंट लेवल की गेमिंग कराने में कैपेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 4.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर डिसेंट लेवल की गेमिंग करा सकता है। साथ ही साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर डेली यूजर्स में भी कोई शिकायत नहीं आती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। 33 W चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पर हम कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर ले तो आपको यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स। लेकिन दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है तो यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, अगर हम बात करें कार्ड ऑप्शन की तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर, तो ये अच्छी बात है जहाँ पर आपको पोको की कस्टम स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। रही बात 5G बैंड्स की तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 15,999 रुपये। बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते तो ये फोन इफेक्टिवली आपको सिर्फ 15,000 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा। और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है रियलमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रियलमी का 12 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों तो ये फोन डिजाइन और लुक के मामले में काफी कमाल का है जो कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर IP54 की रेटिंग दी गई है तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। इन सभी के अलावा 7.7 mm की थिकनेस और 188 grams। जी हां दोस्तों, काफी लाइट वेट और स्लिम फोन है तो ये भी अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 inches की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल जहां पर ड्रैगन ट्रेल गैस का सपोर्ट आपको दिया गया है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अप टू 950 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो हालांकि यहाँ पर काफी बड़े बड़े कैमरास लग रहे होंगे लेकिन बैक साइड में आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। लेकिन अगर हम बात करें आउटपुट की तो भाई इमेज आउटपुट में आपको डे लाइट हो या फिर लो लाइट हो कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी तरह से किया गया है तो इमेज आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स का सपोर्ट भी दिया गया है। लेकिन अगर हम फ्रंट कैमरा के आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्मूथ स्क्रीन देखने को मिलती है, डिटेल्स वगैरह उतनी अच्छी नहीं रहती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रही बात वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहां पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। बात करें परफॉर्मेंस की तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस MediaTek Dimensity 6100+ का चिपसेट और ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। और साथ ही आप यहां पर मैक्सिमम 40 FPS तक की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 15,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस वगैरह डिसेंट देखने को मिल जाती है। वैसे इस फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी लगा हुआ है। सो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है जो कि 45 W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग टाइप वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिलता है। तो बैटरी मॉड्यूल भी यहाँ पर आपको अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी कमाल की है, ऑडियो से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। रही बात कार्ड ऑप्शन की तो आपको यहाँ पर कार्ड ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G SIM ही लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है जहाँ पर आपको मिलता है रियलमी का UI 5.0। हालांकि अभी भी थोड़े मोटे बग्स वगैरह हैं, थोड़े मोटे ब्लॉटवेयर्स हैं लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं और ओवरऑल सॉफ्टवेयर में आपको कोई खास दिक्कत भी नहीं आती।
और दोस्तों यहाँ पर Realme ने यह भी प्रॉमिस किया कि आपको यहाँ पर 3 साल के मेजर अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है, सो ओवरऑल आपको यहाँ पर 5G के तौर पर भी कोई शिकायत नहीं आएगी। बात करें प्राइसिंग की, तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर 6 और 128 के लिए आपको देखने को मिल रहा है 16,999 रुपये, बट दोस्तों जैसे ही आप इसे कार्ट पर ऐड करेंगे आपको यहाँ पर 2,000 रुपये का ऑफ मिल जाएगा, यानी इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 15,000 रुपये कीमत पर, सो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों लिस्ट का अगला फ़ोन है यहाँ पर Realme की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Realme का P1 5G। बात करें फ़ोन की, तो दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, साथ ही साथ IP54 यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 7.9mm की थिकनेस और 188 ग्राम्स का है, सो ओवरऑल देखेंगे तो फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और रही बात डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फ़ोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों ये फोन आता है 6.67 इंचेस के एक फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल के साथ में, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है और 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अगर हम बात करें गेमिंग की, तो 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर वाइड वाइन एवन का सपोर्ट भी मिल जाता है, और देखा जाए तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, सो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, जहाँ पर सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर लगा हुआ है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल सेंसर है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात कैमरा आउटपुट की, दोस्तों तो डे लाइट में फोटोज काफ़ी अच्छी निकल कर आती हैं, तो डे लाइट में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS, लेकिन 4K की वीडियो उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, तो अगर आपको थोड़ी सी स्टेबल वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पर 1080p यानी कि फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। साथ ही साथ अगर आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो कैमरा परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की मेन हाइलाइटेड फीचर यानी फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NMAs MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट, और दोस्तों ये पहला स्मार्टफोन है जो कि आपको 15,000 रुपये के अंदर इतना पावरफुल चिपसेट देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए आम वाले G68 MC4 का 4 कोर का GPU देखने को मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 6 लाख प्लस के ऊपर स्कोर करता है, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही कमाल के स्कोर है। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में फोन यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं देता। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 45W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है, सो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफ़ी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो पॉसिबली आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूजर इंटरफेस की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 14 बेस्ड रियलमी UI 5.0, तो फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहती है, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है, और सबसे अच्छी बात आप यहाँ पर चुपके से किसी की भी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बिना सामने वाले को बताए। और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 3 साल के मेजर अपडेट का सपोर्ट मिलेगा और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले, सो देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 15,999 रुपये, बट दोस्तों बैंक ऑफर्स पर ये स्मार्टफोन इजीली आपको 15,000 रुपये के अंदर मिल रहा है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो Realme की तरफ से आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहें, कैमरा के लिए लेना चाहें, या फिर बैटरी परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहें, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। फोन की तरफ, तो दोस्तों अगला स्मार्टफोन रखा हुआ है यहाँ पर Vivo की तरफ से आने वाला Vivo का T2 5G। जो फोन है ये भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलेगा, हालांकि जो बैक लुक है ये थोड़ा सा शाइनी डिजाइन के साथ में आता है, बट ओवरऑल लुक और डिजाइन में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और तो और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 7.8 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ में आता है, और फोन का जो वेट है
वो है सिर्फ 172 ग्राम्स, यानी कि काफी लाइट वेट और काफी स्लिम फोन है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.38 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड पैनल, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आती है। 413 ppi डेंसिटी का सपोर्ट दिया गया है। इन सभी के अलावा HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी आपको यहां पर मिलता है। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है, तो इंडोर और आउटडोर में कंटेंट वॉचिंग में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात गेमिंग की, तो 90Hz की रिफ्रेश रेट और 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है, सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है। चलिए फिर बात कर लेते हैं कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहां पर दो सेंसर्स दिए गए हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, जो कि f1.79 अपर्चर के साथ में आता है, और यहां पर आपको मिलता है S5K GW3 का एक सैमसंग का सेंसर। इन सभी के अलावा आपको यहां पर OIS का फीचर भी देखने को मिल जाता है, और दूसरा सेंसर आपको दिया गया है एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। वैसे आपको बता दूं कि मेन कैमरा के जो आउटपुट है वो काफी कमाल के निकल कर आते हैं, तो आपको यहां पर इमेज क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आपको बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 fps। फ्रंट की बात करें गाइस, तो फ्रंट में आपको मिलता है यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जो कि f2.0 अपर्चर के साथ में आता है, और यहाँ पर भी आपको इमेज क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो आप यहाँ पर भी फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 fps। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट, जो कि हमें काफी सारे स्मार्टफोन के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। काफी स्टेबल है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है, डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 400,000 के ऊपर स्कोर कर जाता है, सो आपको यहाँ पर डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है, तो ये भी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। बैक साइड में आपको यहाँ पर 4400mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। हालांकि थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आपको यहाँ पर नॉर्मल यूजिंग पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से निकाल कर देती है। साथ ही में ये फोन 44 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। और वहीं पर अगर हम कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए, लेकिन आउटपुट काफी कमाल के हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक, हाइब्रिड गार्ड का ऑप्शन, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और साथ ही ये स्मार्टफोन अप टू 6 5G बैंड्स को सपोर्ट भी करता है। चलिए बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए इस समय आपको देने होंगे सिर्फ और सिर्फ 15,999 रुपए, और अगर आप बैंक ऑफर्स लगा लेते हैं तो ये फोन भी अंडर 15,000 रुपीज की प्राइस पर आपको इजिली मिल जाएगा। सो दोस्तों ये थे वो चार स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं लगभग 15,000 रुपए के अंदर, और सभी के अंदर आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन, दमदार फीचर्स, तगड़ा लुक दिया गया, साथ में अच्छे कैमरास और अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाती है। सो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा।